नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आज भी संसद ठप रही, सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई। इशू यह है कि राहुल गांधी ने लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर के जो कुछ भी बोला है उसके लिए माफी मांगे। वहां पे उन्होंने ऐसा क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत में बोलने की आजादी नहीं है, जब विपक्ष के नेता बोलते हैं तो माइक को म्यूट कर दिया जाता है, अमेरिका और यूरोप चुप है, भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। बीजेपी की मांग है कि उन्होंने विदेश में जाकर के देश की बेइज्जती कराई है, लिहाजा वो माफी मांगे। कांग्रेस का कहना है कि हमने तो कोई गलती की ही नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए, मैं सब कुछ बता दूंगा, मैंने देश की कोई बुराई नहीं की है, हमने जो कुछ भी किया है सिस्टम की बात उठाई है। और उधर से विपक्ष कह रहा है कि अडानी के मुद्दे पे जांच के लिए जेपीसी बनाई है। इसी को लेकर के एक हफ्ता पूरा स्वाहा हो गया, जो गतिरोध है वो बरकरार है। इसी बीच खबर आ रही है कि राहुल के चचेरे भाई वरुण गांधी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बुलाया है वो लेक्चर देने के लिए। और इशू क्या है? इशू है कि द हाउस बिलीव्स मोदी इज ऑन द राइट पाथ, और इसी पे उनको लेक्चर देना है। वरुण गांधी ने इस नेता को ठुकरा दिया है। उनको ऑक्सफोर्ड यूनियन के अध्यक्ष मैथ्यू डिक ने बुलाया था, उन्होंने धन्यवाद कहा है, कहा कि सौभाग्य की बात है कि मुझे बुलाया गया, लेकिन उन्होंने इस नेता को ठुकरा दिया। क्या कहा? उन्होंने कहा कि देश की बात देश में ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, और ऐसे मौके आएंगे देश में बोलने के लिए तब बोला जाएगा, विदेश में हरगिज नहीं। ऐसा कह करके उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साध दिया, तंज कस दिया कि राहुल गांधी ने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं किया। नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन अपनी मनसा तो जताई दी कि मैं ऑक्सफोर्ड में क्यों नहीं जा रहा हूँ। वरुण गांधी किताबें लिख चुके हैं हेल्थ के इशू पे, एजुकेशन के इशू पे, डेवलपमेंट के इशू पे बोलते रहते हैं, और अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलते हैं, चाहे मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो, और इसके लिए वो सरकार के निशाने पर भी रहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन्होंने राहुल गांधी पर तो परोक्ष रूप से निशाना साध दिया, माजरा क्या है? क्यों वरुण गांधी जो अपने सरकार पर सवाल उठाते हैं वहां नहीं जा रहे हैं? क्या कोई पैचअप की बात चल रही है पर्दे के पीछे से? तो उनकी मां मेनका गांधी सुल्तानपुर से सांसद हैं और वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद हैं। तो बात ये आ रही है कि कुछ पर्दे के पीछे समझौते की बात चल रही है। अभी वरुण गांधी की मां मेनका गांधी सुल्तानपुर में थी, पत्रकारों से बातचीत में जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, उसी से अंदाजा लग रहा है। और वरुण गांधी के इस निर्णय को ठुकराने से बीच बीच में ये खबरें आती रहती हैं कि वरुण गांधी कांग्रेस में जा सकते हैं। बहुत पहले से उनकी प्रियंका गांधी से अच्छी पटती है, राहुल गांधी से भी कोई दूरी नहीं है, तो कांग्रेस में जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी में भी जाने की बातें चलती रहती है कि समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, समाजवादी पार्टी उनको लड़ा सकती है। लेकिन अब जो कुछ भी उनकी मां मेनका गांधी और वरुण गांधी ने संकेत दिया है उससे तो यही लग रहा है कि अभी बीजेपी से वो अलग नहीं हो रहे हैं। उन्हें दिख रहा है कि बीजेपी का पलड़ा अभी भी भारी है। कहीं यही सोच करके तो वरुण गांधी ने ये नेता नहीं ठुकराया? राहुल गांधी पे क्यों परोक्ष रूप से उन्होंने वार किया? आप भी सोचिएगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।